तो आगे जो है ना, चलते हैं अपने मेन मेन्यू के तीसरे पार्ट की तरफ, ये है सर्च। ठीक है, तो सर्च पे क्लिक करेंगे तो अभी जो है ना, ये सर्च यूज होगा बैकअप के लिए। ठीक है, आपने कोई भी रिकॉर्डिंग जो है ना वो निकालनी है यूएसबी के अंदर, तो इसके लिए आप बैकअप पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इधर से जो है ना, ये ऊपर इस साइड पे आपको कैमरे नज़र आ रहे हैं, इधर जो है ना वो टाइम है, किस टाइम की आपने रिकॉर्डिंग निकालनी है, फाइल टाइप है, ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, ठीक है, उसके बाद सर्च है, सर्च बाय आपने जो है ना किस तरह की रिकॉर्डिंग जो है ना वो करना चाह रहे हैं, इवेंट में करना चाह रहे हैं, फाइल में करना चाह रहे हैं, इवेंट टाइप है, ठीक है, तो आप आल पे क्लिक कर दें। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग दी हुई है, अलार्म रिकॉर्डिंग है, मोशन सेंसर है, लाइन क्रॉसिंग है, किस तरह की रिकॉर्डिंग लेना चाह रहे हैं तो वो इधर से जो है ना फिल्टर कर सकते हैं। उसके बाद ये डेट है, ठीक है, किस डेट की रिकॉर्डिंग आप निकालना चाहते हैं, जो यूएसबी में निकालना चाहते हैं। अगर आप बैकअप लेना चाह रहे हैं तो आपने सर्च पे क्लिक करना है, उसके बाद जैसे कैमरा सेलेक्ट करना है और डेट एंड टाइम सेलेक्ट करके उसके बाद आपने सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करेंगे तो यूएसबी लगाएंगे तो आप इधर से जो है ना बैकअप निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे